हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आपके सामने ये है अपना एरो हेड प्लांट। इसको सिंगोनियम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये एक इंडोर प्लांट है और आज हम ये प्लांट ग्रो करने वाले हैं अपने हैंगिंग बास्केट के अंदर। ये प्लांट एक्चुअली हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। ये बुशी होता है जिसकी वजह से हैंगिंग बास्केट में वो बास्केट से बाहर फैला हुआ आपको दिखेगा और दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा फ्रेंड्स। तो एक चीज़ इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ख़राब इंसेक्ट है हमारे प्लांट्स के लिए। इसको स्नेल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जब भी आपको दिखे तो आप इसको गार्डन से बाहर तुरंत डाल दीजिए, क्योंकि ये आपके पत्ते खाता रहेगा और कुछ ही दिनों में आपके पत्ते पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको हटा देनी है। तो मुझे इसको हाथ से उठाने में थोड़ा डर लग रहा है, शायद मुझे काट ले, तो इसके थ्रू ही मैं उसको उठा लेता हूँ और आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि ये कैसा दिखता है। बहुत ही अजीब होता है फ्रेंड्स ये इंसेक्ट। ये फ्रेंड्स ये कैसा दिख रहा है, देखिए कुछ इस तरह से होता है ये इंसेक्ट। ये जो ऊपर है वो उसका शेल होता है और ये जो दो उसके मुंह और कान और आँख होती है, और देखिए ये दूसरा छोटा वाला भी है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंसेक्ट है वो हमारे लीव्स को डैमेज कर सकते हैं, तो आप इसको उठा के तुरंत गार्डन से बाहर फेंक दीजिए। तो अभी तो मैं उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा, अभी इसको कहीं साइड पे डाल देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ये अपने सिंगोनियम प्लांट यानी कि एरो हेड प्लांट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है अपना एरो हेड प्लांट और ये अपना एक इंडोर प्लांट है, और ये प्लांट आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं और छोटे छोटे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। छोटे गमले में फ्रेंड्स, बड़े गमले में इसको ग्रो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना छोटा गमला में ग्रो होगा उतना ये बुशियर आपको दिखेगा और दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। मेनली ये प्लांट आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि ये फैलता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये अपनी साइज़ को फैलाता रहता है, जिसकी वजह से हैंगिंग बास्केट में ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये एक इंडोर प्लांट है, तो इंडोर प्लांट है तो इसको सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो लो लाइट कंडीशंस में भी अपने आप को अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ वेराइटीज़ आती है जिसको सनलाइट की ब्राइटनेस की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट सनलाइट की नहीं, मतलब फुल ब्राइटनेस की ज़रूरत होती है। तो वो वेराइटी ऐसी होती है जिसके ऊपर ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते के ऊपर थोड़ा कलर होता है, रेड कलर होता है, या तो पिंक कलर होता है, या तो पर्पल कलर होते हैं, कुछ कलर्स लगे हुए होते हैं। ऐसी वेराइटीज़ को आपको फुल ब्राइटनेस देनी है सनलाइट की। तो अभी जो मैं ये लाया हूँ वेराइटी, उसके अंदर ज़्यादा उसको ब्राइटनेस तो चाहिए, लेकिन ये लो ब्राइटनेस में भी अपने आप को आराम से ग्रो कर लेगा। अगर मैंने इसको एडिक्वेट अमाउंट में ब्राइटनेस दी तो भी ये आराम से ग्रो कर लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी सॉइल की बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अभी इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने सॉइल ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने ली है कोकोपीट। तो कोकोपीट तो मैं जनरली मेरे गार्डन में यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए कोकोपीट ली है, क्योंकि मैं इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने वाला हूँ। हैंगिंग बास्केट में कोकोपीट का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हैंगिंग बास्केट को हमें जितनी हो सके उतनी लाइट सॉइल देनी है। ज़्यादा वेट नहीं रहना चाहिए हैंगिंग बास्केट का, जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतना वज़न पड़ेगा। आप जो भी चीज़ के ऊपर उसको लटकाएंगे तो बास्केट के ऊपर वज़न पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आगे चल के डैमेज हो सकती है। इसीलिए मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है। कोकोपीट एक बहुत ही लाइट मीडियम है, तो हल्का होता है, जिसकी वजह से हम हैंगिंग बास्केट में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ली है वर्मी कॉम्पोस्ट। वर्मी कॉम्पोस्ट सॉइल को न्यूट्रिएंट बनाएगा, और मैंने ली है नर्सरी सॉइल। तो ये सारी चीज़ों का प्रपोर्शन मैंने कुछ इस तरह से लिया है। तो फ्रेंड्स, सॉइल में मैंने यूज़ की है 30% जितनी अपनी नर्सरी सॉइल, 30% जितनी मैंने यूज़ की है ये वर्मी कॉम्पोस्ट, और 40% मैंने यूज़ की है कोकोपीट। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है। तो कोकोपीट की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि कोकोपीट एक बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है और हमारी हैंगिंग बास्केट में वो ज़्यादा हैवी नहीं पड़ेगा। अगर मैं सॉइल की मात्रा ज़्यादा कर दूंगा और इसके अंदर सैंड यूज़ करूंगा, तो बाद में सैंड भी एक हैवी मटेरियल है, तो हैंगिंग बास्केट्स में वो वज़न डालेगा। इसीलिए हमें हैंगिंग बास्केट में ऐसी ही सॉइल यूज़ करनी है जो लाइट वेट हो। इसीलिए मैंने ये जो नर्सरी सॉइल है वो सिर्फ 30% यूज़ की है, और 40% मैंने ये कोकोपीट यूज़ किया है, और 30% मैंने वर्मी कॉम्पोस्ट यूज़ की है।
वर्मी कंपोस्ट की जगह आप काउडंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 30% ना यूज़ करें। काउडंग को आप हो सके तो 20% जितनी यूज़ करें और 10% जितनी आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें। वर्मी कंपोस्ट इन कंपैरिजन टू काउडंग थोड़ी लाइट है, इसीलिए वर्मी कंपोस्ट हमारे प्लांट्स के लिए थोड़ी सेफ है फ्रेंड्स। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने सॉइल का लिया है, अब हमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर थोड़ा जाइम फर्टिलाइज़र भी डाल ही देता हूँ, क्योंकि ये हमारी सॉइल को भी थोड़ा कंडीशन करेगा और न्यूट्रिटिव और ज़्यादा बनाएगा। तो ऑलमोस्ट 2 चम्मच जितनी मैंने ये जाइम फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाल दिया है। अब फ्रेंड्स हमें ये सॉइल को, ये मेरी हैंगिंग बास्केट है उसके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो हैंगिंग बास्केट के नीचे मैंने ये कोकोनट के छिलके डाल दिए थोड़े, ताकि पानी बाहर, सॉइल जल्दी बाहर ड्रेन ना हो सके। और ये सॉइल हमारी बहुत ही सॉफ्ट सॉइल है, तो बहुत ही जल्दी होल में से बाहर निकल जाएगी, इसीलिए मैंने कोकोनट के छिलके डाल दिए हैं। और कुछ इस तरह से हमें प्रेस कर देना है। ये सॉइल इतनी सॉफ्ट है कि आराम से इसके अंदर से पानी जल्दी ड्रेन हो जाएगा। तो ये हमने ये प्लांट की सॉइल की तैयारी कर दी। अब फ्रेंड्स ये प्लांट की वाटरिंग की मैं बात करूँ, तो ये प्लांट को वाटरिंग चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट चाहिए, मिट्टी मॉइस्ट चाहिए, लेकिन इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती फ्रेंड्स। वाटरिंग का आप खास ध्यान रखिए ये प्लांट में, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा भी चला गया तो बाद में ये प्लांट तुरंत मर जाएगा, और अगर इसकी मिट्टी सॉफ्ट ड्राई भी हो जाए तो भी ये प्लांट को इफ़ेक्ट होगी। तो हमें इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये रूट बॉल में से मैंने इसके थोड़े रूट्स बाहर निकाल दिए हैं, और ये जो सॉइल यूज़ की है नर्सरी वालों ने वो भी कोकोपीट ही है, तो बहुत ही सॉफ्ट मीडियम यूज़ किया है उन लोग ने। तो इस तरह से मैंने ये प्लांट को ये मेरी हैंगिंग बास्केट में रख दिया है। अब हमें इसको सॉइल डाल लेनी है इसके अंदर। तो हम थोड़ा पॉट को पटक देंगे ताकि सॉइल अंदर थोड़ी अच्छी तरह सेटल हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमने ये प्लांट को ये मेरी हैंगिंग बास्केट में डाल दिया है। अब धीरे धीरे ये प्लांट मेरा हैंगिंग बास्केट में ग्रो होगा और अंदर ही अंदर फैलता जाएगा, जिसकी वजह से ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसे फ्रेंड्स मैं ये प्लांट के वाटरिंग की बात कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये प्लांट को वाटरिंग चाहिए, लेकिन इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए और इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इसकी मिट्टी वेट रहेगी तो बाद में ये प्लांट आपका 100% मर जाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसके रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी हो जाती है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि ये प्लांट को पानी की ज़रूरत भी इतनी होती है, तो मतलब आपको इसको डेली वाटरिंग करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाटरिंग करना है, प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटरिंग करना है। तो इसकी मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखिए, या तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो 2 से 3 दिन के अंतर में आप इसको बहुत ही अच्छी तरह पानी डाल दीजिए, पूरा पानी डाल दीजिए। बाद में जब तक इसकी ऊपर की सरफेस की जो मिट्टी है वो लगभग पूरी तरह 100% ड्राई नहीं हो जाती, ऊपर की लगभग 1 इंच जितनी मिट्टी ऊपर की उसकी ड्राई नहीं हो जाती, तब तक उसके बाद ही आप पानी डालिए। या तो आपको डेली पानी डालना हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। तो इसकी मिट्टी को हमें यानी कि पूरा दिन तक वेट नहीं रखनी है। जब आप पानी डालते हो तो लगभग 2 घंटे के अंदर इसकी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर रहना चाहिए, मिट्टी वेट नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए हमने सॉफ्ट सॉइल यूज़ की है। अब जो ये कोकोपीट है, कोकोपीट वाटर रिटेंशन की पावर कोकोपीट में ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं कोकोपीट ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसमें हमें पानी डालते हैं जब कोकोपीट के अंदर, तब हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोकोपीट का जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो ड्राई हो जाता है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल कोकोपीट का होता है, जैसे कि ऊपर का जो सॉइल का सरफेस है वो ड्राई हो जाता है, पॉट के नीचे का जो मटेरियल है उसके अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी होती है। तो वो चीज़ देख के हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऊपर का सरफेस ड्राई है तो मतलब पानी हमें डालना है, लेकिन अगर हम पानी डालते हैं तब जाके अंदर ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट मर जाता है। इसीलिए मैं जनरली कोकोपीट को अवॉइड करता हूँ और मैं सैंड ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अभी ये प्लांट मैंने हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया है इसीलिए मैं कोकोपीट का इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे इसके अंदर पानी का बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ेगा,
तभी जाके ये प्लांट मेरा अच्छा खासा बुशी हो जाएगा। फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, ये प्लांट को मैं वर्मी कॉम्पोस्ट ही दूंगा, क्योंकि जो सॉइल के अंदर मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है वो है वर्मी कॉम्पोस्ट और जाइम फर्टिलाइज़र। तो मैं हर 15 दिन में एक बार इसको लगभग 25 ग्राम जितना वर्मी कॉम्पोस्ट सप्लाई करूँगा और आधी चम्मच जितनी जाइम फर्टिलाइज़र मंथली सप्लाई करूँगा। ये हिसाब से मैं मेरे प्लांट को फर्टिलाइज़ करता रहूँगा। ये प्लांट के ऊपर पेस्ट भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो आप पेस्टिसाइड इसके ऊपर रेगुलर स्प्रे करते रहिए, जैसे कि नीम पेस्टिसाइड हुआ, तो ये प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ है कि आप अगर सॉइल, आपके प्लांट की सॉइल हेल्दी रहेगी तो आपका प्लांट अपने आप ही हेल्दी ग्रो होगा, जिसकी वजह से पेस्ट भी कम लगेंगे। तो हो सके उतना आप अपने प्लांट की सॉइल को हेल्दी रखिए। जैसे कि अभी इसके अंदर हमने 30% जितनी वर्मी कॉम्पोस्ट यूज़ की है, जितनी वर्मी कॉम्पोस्ट हमारी जो सॉइल के अंदर मौजूद है वो ज़ायर नहीं जाएगी, ये आपको रिज़ल्ट देगी, यानी कि आपके प्लांट को न्यूट्रिशन पहुँचाएगी और आपके प्लांट को भी हेल्दी बनाएगी, जिसकी वजह से ये प्लांट के ऊपर पेस्ट कम अटैक करेंगे। क्योंकि प्लांट में प्लांट अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी बना देगा जिसकी वजह से वो पेस्ट को भगा सकता है। अगर पेस्ट ने अटैक किया तो आप नीम पेस्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं। सनलाइट की तो जैसे मैंने बात की, इसको ब्राइटनेस वाले एरिया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट तो इसको ना दें। इसको आप अपने रूम के या तो ऑफिस में भी लगा सकते हैं। ये इंडोर प्लांट है, यानी कि लो लाइट कंडीशंस में भी ये आराम से आपका घर पे, आपके घर पे या तो ऑफिस पे ग्रो हो जाएगा और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एरो हेड प्लांट, इसको सिंगोनियम भी बोलते हैं। अगर ये प्लांट से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।